आप कैसे होंगे? तो गाइस लाइक आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन को भी हॉल में क्लिक कर दीजिएगा गाइस, ताकि आप हमारी न्यू वीडियो आती रहे। बाय थम्स अप गाइस। आज आपको मैं अभी हमारी गन दिखाने वाला हूँ अभी। तो गाइस ये देखिए, इसको ऐसे भी पकड़ दो। Let's get started. Bye. गाइस जो आपके दाल भाती यानी कि दाल में उसमें जो पीला कलर का होता है, बताऊँ क्या होता है वो, उसको बोलते हैं हल्दी। गाइस आपको पता ही होगा कि हल्दी जो होती है ना, वो हमारे सेहत के लिए और ताकत के लिए बहुत अच्छी होती है। और कुछ लोगों ने कोरोना के समय हल्दी को दूध में डाल के भी पिया है। तो गाइस आपने कभी हल्दी का पौधा देखा है? तो गाइस ये देखिए, ये है हल्दी का पौधा। तो गाइस हल्दी के जो जड़ होते हैं ना, उनमें से ये हल्दी निकलती है। हाँ गाइस, ये हल्दी है और इसकी जड़ों से निकलती है। गाइस हम इसको पीसते हैं और कुछ लोगों ने इसको सिलबट्टे में भी पीसा है। बाय गाइस। गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेली क्यों हूँ। गाइस मेरी मम्मी और मेरे भाई की क्लास चलती है और किसी कोई मुझे बोलता भी नहीं कि खाना और ले लो, पानी पी लो। तो गाइस आज सैटरडे, इसलिए आज मेरी छुट्टी है और किसी ना की क्लास है, इसलिए मैं आज बहुत फ्री हूँ। और मेरा भाई फ्री नहीं है और मेरी मम्मी और दादा की क्लास चलती रहती है, इसलिए जब कोई भी मुझे खाना पानी के लिए पूछता नहीं, इसलिए मैं दौड़ के नानी के पास जा। नानी बोलते अरे मेरे बच्चे को कोई खाना नहीं देता है, नानी मुझे खाना पानी देती, फिर मैं खा के ऊपर पी जाती हूँ। आज मैं आपको एक पौधे से मिलवाने वाली हूँ जिसका नाम है कैक्टस। ही देखिए गाइस, इसको इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि रेगिस्तान में उगता है। और क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊँ कि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गाइस इसके अंदर ही अपने अंदर ना पानी स्टोर करके रखता है। और जो आपको एक कांट दिख रहे होंगे ना, ये अपने बचावट के लिए ऐसे करता है ताकि कोई इसको छूए तो उसको काटें चुभ जाए। और गाइस अगर हम इसको ऐसे करके काटेंगे तो इसके अंदर से पानी निकलेगा। तो गाइस आज हम एक गेम खेलने वाले हैं, वो सब में हमारी सविता दीदी बताएंगी। ओके डियर चिल्ड्रन, ये आपके सामने बहुत सारे लेमन्स रखे हैं। हाँ। आप लोगों ने स्कूल में लेमन रेस तो खेला होगा। हाँ। ये लेमन की टोकरी मैं उधर रख दूंगी, वहां से आपको स्पून सबके पास दिए हुए हैं। जस्ट शो योर स्पून्स। ओके ठीक है, किसी ने उसमें कुछ नहीं लगा रखा है न, तो कई बच्चे क्या करते हैं, चिटिंग करते हैं, उसमें फेविकॉल या कुछ लगा लेते हैं, पर ये इन्होंने, मैंने चेक कर लिया है, इसमें कुछ नहीं है। अभी मैं ये लेमन की टोकरी वहाँ रखूँगी, ये लोग वहाँ से बैलेंस करते हुए आएंगे। इट इज़ अ गेम ऑफ बैलेंसिंग, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। मैं चेक करूँगी किस कौन जीता, हु इज़ द विनर एंड हु इज़ द लूजर। ठीक है, तो वी विल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आप ये देखेंगे, दैविक की जो बास्केट है वो ग्रीन कलर की है, सताक्षी की बास्केट रेड कलर की है और जिया की बास्केट है ब्लू कलर की। और ये मैंने टाइमर सेट किया हुआ है, इस टाइमर के अकॉर्डिंग एक मिनट का गेम हम ये खेलेंगे। एक मिनट में जिसके बास्केट में जितने, ना चिटिंग नहीं, जिसके बास्केट में जितने लेमन्स होंगे वो विनर होगा। सताक्षी ने एक लेमन रख दिया है, इसको मैं निकाल देती हूँ, ये छोटी बच्ची है ये मानेगी नहीं। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे, जल्दीबाजी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, रुको अभी रुको। और बैलेंसिंग का गेम है, जिसका गिर जाएगा वो वापस जाके वो लेमन वहाँ रखेगा और दूसरा लेमन उठाएगा। ओके अभी मैं बताती हूँ। ओके 1 2 3 स्टार्ट। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, यहाँ बाउंस हो जाएगा, कोई बात नहीं है।
गुनगुन वेरी बैड वेरी बैड, सब देख रहे हैं आपको। इसने 3 लेमन लेकर आई थी, सो 3 मैं माइनस कर दूंगी उसमें से। जाओ जल्दी अपना काम करो ईमानदारी से, चलो ईमानदारी से। 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, 29। कैमरे में सब पता है और कोई चिटिंग नहीं करेगा, ईमानदारी से। वेरी गुड वेरी गुड। जिया कितना उठा के लाई थी? ओके ओके चलेगा चलेगा, चलो 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 जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। टाइम ओके ओके टाइम हो चुका है। स्टॉप तो गाइस इसमें देखेंगे 3, 3, 6, 7, 8। जिया की टोकरी में 8 हैं, गुनगुन की टोकरी में 6 हैं और दैविक की टोकरी में 3, 3, 6, 7 है, 7। तो जिया इज द विनर। मैं वैसे इसको रिवाइंड करके भी देखूंगी कि किस किस ने चिटिंग करी है, और जिसने चिटिंग करी होगी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सो दिस इज द गेम ऑफ अ लूजर, सो गुनगुन इज द विनर। सो गाइज आपने देखा इस गेम की विनर है जिया, तो सारे बच्चे उसको हिप हिप हो रहे बोलेंगे, कंग्रेचुलेशन बोलेंगे। टीम स्प्रिट से खेलो, हिप 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 हिप, ओके वेरी गुड। तो गाइज अभी सेकेंड गेम हम स्टार्ट करेंगे, इसमें क्योंकि गुनगुन जो सताक्षी है वो छोटी है इसलिए वो नहीं कर पाएगी इन दोनों के बराबर। तो दैविक और जिया दोनों बुक बैलेंसिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कौन पहुँचता है देखते हैं, और जो प्रॉपरली बैलेंस करके आ गया बिना गिराए दैट पर्सन विल बी द विनर। 1, 2, 3 स्टार्ट। 1, 2, 3 ये वाला राउंड तो टाइम टाइम फिश हो गया क्योंकि सताक्षी ने पीछे से किसी को धक्का दे दिया था। अभी सताक्षी को हमने ग्राउंड में से हटा दिया है और डिस्टेंस जैसा कि बहुत कम दिख रहा है इसलिए वो 3 चक्कर लगाएंगे, यहाँ आएंगे वापस जाएंगे, देन दे विल कम बैक। इसमें हमको पता चलेगा कि कौन जीता है। तो 1, 2, 3 स्टार्ट। चलो करो 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 करो, दोनों का एक 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 फाउल हो गया। बाप रे, देखो माय लॉर्ड रिप्ले। ठीक है मैंने ऑफ नहीं किया है, तुम लोगों का जंगलीपन दिख रहा है। बाप रे, कोई बोलेगा कि कितने पोलाइट बच्चे हैं ये। चलो सताक्षी आप उधर जाओ, ये गेम चिटिंग वाले लोगों के बीच में खेला नहीं जा सकता है। तो शुड वी प्ले इट अगेन या अभी ईमानदारी से खेलोगे? ओके ओके ओके। सताक्षी आप प्लीज़ हट जाओ, आप बहुत डिस्टर्ब कर रही हो, आप साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, प्लीज़ नहीं आना, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके मैन, ओके 1, 2, 3 स्टार्ट। जिया इज द विनर, दोनों गेम की जिया विनर है। गाइस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे या ना लगे सब्सक्राइब कर देना और शेयर और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे न्यू वीडियोस आते रहें। हम हर रोज एक वीडियो डालते हैं इसलिए आपको नए वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।